प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अमीशा वोरा और साथ साथ मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गर साहब हमारे साथ जुड़ते हुए आप दोनों का स्वागत है। और अमीशा मैम, पहले तो आप बताएं, बजट मिक्स प्रतिक्रिया आई और इनफैक्ट आज स्टॉक मार्केट में हमने देखा मिक्स रिएक्शन देखने को मिले, अच्छा था या बुरा था मैम? मुझे लगता है जो मैक्रो पे समझते हैं फिस्कल डेफिसिट टारगेट पर, वो जिस हिसाब से मेजर रिफॉर्म जीएसटी किया वो 3.5 और 18 भी ठीक था, और मुझे लगता है 3.3 और 19 भी ठीक है, बिकॉज ग्रोथ को थोड़ा इम्पेटस देने के लिए लिटिल मैनुवरिंग विद फिस्कल डेफिसिट वॉज रिक्वायर्ड। तो मैं उस पर इतना नेगेटिव नहीं हूँ। पता है कि बॉन्ड मार्केट थोड़े नर्वस है और बॉन्ड मार्केट का नर्वसनेस शायद ये नंबर देखकर थोड़ा बड़ा है, बट आई वुड स्टिल थिंक दैट दिस वाज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी दिस ईयर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का, मुझे लगता है उसमें बहुत ही अच्छा एक स्मार्ट मूव था 31 जनवरी का कट ऑफ डेट रखने का, बट फिर भी इन शॉर्ट टर्म नेक्स्ट 2 मंथ्स आई वुड से दैट उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट और थोड़ा सेलिंग आ सकता है, बिकॉज दिस विल बी इफेक्टिव 1 अप्रैल आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में बिकॉज की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बीच में बहुत मार्जिनल डिफरेंस रहा है टैक्स रेट का, थोड़ा टेम्पटेशन रहेगा जो अदरवाइज नहीं होता, बट I also would think that this was the only good time to introduce this instead of keeping it in air for so long, and markets will take it in stride in the medium term. Also concluding, I would say that last year 2017 was a phenomenal year for markets and stocks in particular. That to repeat in 2018 will be difficult. Oh, तो 2017 बढ़िया साल था, 2018 में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अमीशा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जिस तरह से किसानों के लिए बहुत कुछ आया है बजट में, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ये डर कितना जायज है बाजार का? मैंने जो अभी एक पोस्ट बजट इंटरव्यू सुना तो मैं ऐसा समझ पाई कि करंटली जो एमएसपी है वो ऑलरेडी ये सीजन के लिए 1.5 times कॉस्ट पे है। नाउ दे विल रिव्यू इन नेक्स्ट खरीफ, और इसके इम्पैक्ट आने में ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ ऑफ FY19 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इन शॉर्ट टर्म उतना इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन पे। एंड आई थिंक जस्ट वन काउंटरिंग फैक्ट कि 2 रुपीज से डीजल और पेट्रोल दोनों पे जो ड्यूटी घटा दी एक्साइज, तो वो काफी काउंटर इन्फ्लेशनरी हो गया। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव अगेन, बिकॉज जैसे ऑयल प्राइस बढ़ती है थोड़ा तो पास ऑन से और पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ने वाला था, बट 2-2 रुपीज एक्साइज ड्यूटी घटाने से वो काफी एंटी इन्फ्लेशनरी हो गया।